सो फाइनली हम इस बंदी से मिल चुके हैं। गुड मॉर्निंग, आज है हमारा थर्ड डे न्यूयॉर्क में और यूके में थे। हमने कुछ न्यूज़ देखी थी, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कृष्ण टेम्पल जो कि न्यू जर्सी में बना है, न्यूयॉर्क से 2 घंटे की कुछ डिस्टेंस पे था और अगर अपनी गाड़ी में जाओ तो तकरीबन 1 घंटा। तो हम पहुंच चुके हैं टेंपल में और बहुत अमेजिंग है, बहुत ह्यूज है। वो जो कह रहे हैं ना लार्जेस्ट US में, तो आई थिंक लार्जेस्ट ही ऑल ओवर वर्ल्ड भी ये सेकेंड लार्जेस्ट है। और जो डिटेल की हुई है ना इन्होंने काम में, मैं तो कभी इंडियन टेंपल नहीं विज़िट किया, तो वहाँ पे भी आई गेस होती हो। एंटर होते ही कुछ ऐसा व्यू है, प्रॉपर टूरिस्टिक लोकेशन भी है, इसमें दूसरे नेशनल्स भी आए हुए हैं काफ़ी। आ जाता है लेफ्ट साइड पे, लेडीज़ अपने शूज़ स्ट्रैप रखेंगी और इन केस किसी ने वेस्टर्न वेयर पहना हुआ है तो इन्होंने ये दिए हुए हैं शेरोंग्स, तो आप पहन लो। कौन सी चीज़ कहाँ पे है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो सारा इन्होंने स्क्रीन पे करके बता दिया है। कंस्ट्रक्शन ये, और दोनों साइड ये वाटर फाउंटेन जैसे बनाए और दोनों साइड पे ये स्कल्पचर्स हैं चारों कॉर्नर पे, और जो जो आई थिंक इसकी इम्पोर्टेंस है वो इसके हाथ में चीज़ें दी हैं। यहाँ पे कुछ रीडिंग और विद साथ में ये एक मुद्रा एक हाथ में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर ये मुद्रा किया हुआ है, ठीक है, ये ज्ञान मुद्रा बेसिकली। हाँ, और वो रीड ही कर रहे हैं इसके अंदर, वो रीड करते हुए दिखाया गया है। और ज्ञान मुद्रा बेसिकली वो अपनी सारी इंटेलिजेंस को रीडिंग टाइम यूज कर रहे हैं। और जो मैं हर किसी, तुम देखोगी अलग अलग मुद्रा अलग, और ना सिर्फ स्ट्रक्चर की भी बात नहीं है जो हम नोट कर रहे हैं, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट से क्रिएट की हुई है। पीछे पीछे जो एंट्रेंस में एक बहुत बड़ा स्कल्पचर बनाया है गोल्डन कलर का, उसमें भी एक योगा का पूरा का वो दिया है। इसको ये बेसिकली नाम इसका होता है ट्रायंगल पोज़ शायद, नहीं, वन फीट स्टैंड पोज होता है इस, बेसिकली इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो आप अपना चेक कर सकते हो घर पे भी कि जो बंदा ज़्यादा सिंगल टांग पे स्टैंड कर सकता है, दैट मींस कि वो अपनी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होल्ड करता है। अंदर टेंपल की वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हमने पिक्चर्स और फोटो नहीं दिखा सके, और जो ह्यूज में बाहर से बिल्डिंग दिखा रही उसकी। और उसके बाद आ जाते हैं हम कैफ़े, तो कैफ़े की प्राइसेस रेस्टोरेंट स्टाइल है और सारा वेज में, तो खा के ट्राई करते हैं कैसे। लिया अभी तक फ्राइज लिए और पाव भाजी ली, दोनों का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, ऑथेंटिक लग रहा था। मिर्ची भी काफ़ी है, मुझे मिर्ची लग रही है तो सोचे स्पाइसी होगा। तो हमने कहा पता नहीं है क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी सही थी, एक बंदा अगर एक चीज़ खाए तो काफ़ी सही क्वांटिटी थी। और प्राइस वाइज दो चीज़ों के हमारे $12 आए, तो अभी हम एक और राउंड के मूड में हैं और अभी हमने लेने हैं इनके समोसा चाट या समोसे कुछ ऐसा। सो आज का डे हमने थोड़ा सा बिज़ी रखा था, चीज़ें हमने कोशिश की कि पूरी करें, तो जैसे आप देख चुके हैं हम अभी कर चुके हैं जो क्या टेंपल का टूर पूरा। उधर से फिर पहले तो हमारा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें, बट हम बहुत लेट हो चुके थे, हमें था कि 2 घंटे एटलीस्ट रहेंगे टेंपल में और वापस आ जाएंगे, पर हमने 5-6 घंटे लगाए। आई थिंक हम वहाँ पे पहुँचे थे 12 बजे और फिर वहाँ से निकले हमें 5 बज गए थे, तो 5 घंटे मतलब मेरे हिसाब से इट्स लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइम वी हैव स्पेंड एवर इन टेंपल। जब भी हम गए हमें लगा बस घंटा रेट देखेंगे और निकल के आ जाएंगे, ओके। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड है एक जिससे हम सालों बाद मिलने जा रहे हैं, सर मैं का फर्स्ट टाइम मिलाऊंगी मैं अपने बचपन की दोस्तों से, और वो बेचारी इतने घंटों से वेट कर रही है तो सॉरी उसके लिए। और हम बोलते हैं, और दूसरे भी मिसहैप हुए, खैर वो सारे मैंने ब्लॉग में कैप्चर नहीं किए। मैं ना ब्लॉग ऐसे रखती हूँ कि बड़ी कोई फैंसी चल रही है लाइफ, क्योंकि जिस टाइम मसला हो रहा था मैं मेरे से नहीं वीडियो निकलती उस वक्त हम दोनों के मुंह बने होते हैं, जब हमारे मुंह ठीक हो जाते हैं
और जो मसला हुआ है जैसे हमें ऊबर नहीं मिल रही थी क्योंकि वो थोड़ा रिमोट एरिया पे टेम्पल था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी नहीं, तो हम थोड़ा पैनिक कर रहे थे। खैर फिर मिल गई, आ गई बेचारी गाड़ी। आई थिंक काफ़ी मुश्किल भी रहता है जब आपके पास मतलब जो प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो और आप ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, तो आपका दिमाग नहीं चल रहा होता कि आप ब्लॉग वगैरह कर। सो फाइनली हम इस बंदी से मिल चुके हैं। कौन है ये? दिस इज वीरा सागर, डॉक्टर चाइल्डहुड फ्रेंड। और सनी से भी इंट्रोडक्शन हो गया। और हमने बातों बातों में पूरी ब्रुकलिन ब्रिज क्रॉस कर लिए जो कि हमें पता नहीं चली। पिक्चर्स में आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें निकाली हैं। वॉक के बाद हम आ चुके थे एक रेस्टोरेंट, वहाँ पे फिर हमने डिनर किया। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, ऑब्वियसली वीरा की तरफ से हमें ट्रीट थी और ये सारे गिफ्ट्स भी उसी ने दिए थे हम दोनों को। सामान गया है बड़ और हमें लगेज की ज़रूरत पड़ी है। एंड मोमेंट पे हम सिर्फ अपने घर से सिर्फ कैरी ऑन्स में आए थे क्योंकि हमें नीड नहीं थी लगेज की। ऐसे फिर अब अभी हमें हमारे फ्रेंड ने गिफ्ट दे दिए हैं बहुत सारे, जैसे कल मिले थे वीरा से, तो अब हम एटलीस्ट एक कैरी ऑन लगेज बैग ऐड कर रहे हैं। यस ओके जी, आज है हमारा आखिरी दिन न्यूयॉर्क में और ऐसा था कि मेरी सुबह से बैटरी थी डेड। हमने ये किया, लगेज बैग जो मैं बताया हम लेने आए थे वो लिया, उसमें लगेज डाला और हम एयरपोर्ट आ गए और यहाँ पे हमने चेक इन कर दिया। अच्छी बात ये हुई, उन्होंने बोला भी फ्री में आप अपने कैरी ऑन्स भी लगेज में देना चाहते हो तो दे दिया, अब हम खाली हाथ जा रहे हैं एयरपोर्ट। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है जो कि एरिजोना है शॉपिंग पे और हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली है। मैं कितना खूबसूरत आ रहा है, दुबई वाइफ दे रहे हैं। आज रीयूनियन हुआ है सबका साथ और आज कौन है हमारी मेन पता नहीं आ रहे हैं। तो कोमल हमें लेके आई हैं आउटलेट मॉल, यहाँ की शॉपिंग बहुत अच्छी होती तो वो करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। कुछ चीज़ें और मुझे प्राइसिंग बहुत अच्छी है बट पता नहीं कि मुझे अभी तो कोई चीज़ समझ नहीं आई या मैं माइंड नहीं बना के आई हूँ मेरे साथ क्या मसला है। कॉस्मेटिक में तो चलो ले लिया और एक शर्ट लिया, उन्हीं को समझ आ रही हैं चीज़ें क्योंकि लड़कों का तो बहुत सिंपल रहता है। जूतों की अच्छी चीज़ मिल रही है लड़की के, समझ नहीं आ रहा कौन से। सो जी आज का दिन होता है ख़त्म, मिलेंगे कल और वो भी रहेगा हमारा एरिजोना में। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट होता है। आप एरिजोना आई हैं, आपको ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सेकंड टाइम आई लेकिन इस दफ़ा मुझे और ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि लास्ट टाइम कोविड था तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं बंद थी। इस तो बहुत इंजॉय किया है, वैसे भी मुझे वैसे एरिजोना बहुत पसंद है और शॉपिंग में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा है। रोज़ जाओ मज़े से शॉपिंग करते रहो, वक्त का पता ही नहीं चलता। ये तो ब्यूटीफुल, बहुत वाइड हैं और चौड़े, इधर लगता ऐसे है कि हम भी चला लेंगे शायद, लेकिन यह है कि मैंने ट्राई नहीं किया है। बाहर घूमने के लिए अच्छा लगता है दूसरे स्टेट्स में जाके, बट ओवरऑल एरिजोना जैसी फील कहीं और नहीं आती है, तो जहाँ पे घर वहीं सब कुछ मजा आता है। कभी कभी दुबई की भी याद ताज़ा करता होगा एरिजोना। हाँ, एरिजोना और दुबई में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, वेदर बिल्कुल एक जैसा और जो है वहाँ की गर्मी यहाँ की गर्मी का कोई मुकाबला नहीं है। 3 मंथ्स आर वर्स्ट,
मई जून जुलाई और उसके बाद कूल डाउन होना चालू हो जाता है, फिर अच्छा रहता है ओवरऑल वेदर, बाकी फिर सेटल रहता है पूरे साल। तो बाकी रोड्स भी काइंड ऑफ सेम ही हैं और भी चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं, पाम ट्रीज बहुत देखने को मिलती हैं यहाँ पे। मैक्सिकन रेस्टोरेंट जो कि नैंडोस नाम था, लाइक ये वो वाला नैंडोस नहीं जो नॉर्मली हमें पता होता है। तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस था, डिफरेंट और डिफरेंट फूड एक्सपीरियंस रहा इनका। और यूएस में आओ आप लोग तो प्लीज़, यूके वाली और वाली इनकी ना पोर्शन साइज बहुत बड़ा होता है फूड का, तो वो उस ध्यान से ले के ना फूड ऑर्डर करना पड़ता है। आज हम आए हैं डिफरेंट स्ट्रीट। कौन सी स्ट्रीट है ये, क्या स्ट्रीट है ये? सेंट्रल विलेज। वो इस विलेज तो काफ़ी डिफरेंट मेरे हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा। एक विलेज लाइक बना हुआ है, गाड़ियाँ पार्क करो वहीं पे, आप शॉपिंग करो। It's a different kind of a high street. It's a different kind of a high street. यानी यहाँ पे वैसे हाई स्ट्रीट में पार्किंग वगैरह नहीं होती, पर यहाँ पे ये पार्किंग भी दी हुई है और फिर हर ब्रांड ने अपने अपने स्टोर्स बनाए हुए। हाँ, पर ये वो नहीं है, आउटलेट विलेज नहीं है। दिस इज नॉट आउटलेट मॉल। नॉर्मल प्राइसेस में इधर चेक करना है ज्वेलरी वगैरह। उसके बाद कुछ पिक्चर्स लिए हमने और फिर यहाँ पे बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे काफ़ी अच्छी डील्स थी, तो वो लिए सामान मैंने। उसके लास्ट में हम आ चुके थे मैसीज, उसकी काफ़ी मैंने सुना है ड्रेसेस वगैरह अच्छी होती हैं, पर मैंने नहीं ली कोई भी। नेक्स्ट डे शुरू होता है हमारा ट्रिप लास वेगास के लिए, जिसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज़रूर वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।